Assalamualaikum. क्या हाल है यार सब लोग सब लोग खरीद हैं ठीक ठाक हैं चले एक और वीडियो इस बार वो क्या था कि टीम इस वीडियो में असद भाई और चांद भाई सिर्फ ये हैं शरीफ भाई नहीं है ये एपिसोड पहले चांद भाई ने फर्स्ट पार्ट अपनी चैनल पर डाला था उसके बाद असद भाई ने आई थिंक दो पार्ट्स में अपने चैनल पर डाला था तो स्टोरी में आपको बताया था मैंने क्लिप शॉर्ट कर दिया है कंडेंस कर दिया है स्टोरी कुछ ये है कि यहाँ पे एक वो है जंगल टाइप है मतलब फसलें वगैरह हैं उसके बीच में एक जगह थी जहाँ पे फ्लैट सरफेस पे जो है कोई दरख्त वगैरह लगे हुए थे और फिर यहाँ पे किसी ने डिसाइड किया कि यार वो यहाँ पे मकान बनाएंगे अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे ये करवाएंगे किसी एक कमरे में कोई दरख्त लगा हुआ था और उन्हें ये एडवाइस दी गई कि भाई आप ये दरख्त ना काटें इसके ऐतराफ़ में कंस्ट्रक्शन कर लें मगर दरख्त को वहाँ रहने दें वरना आपके साथ मसले होंगे मामला होंगे और उन्होंने ये बात सुनी नहीं और दरख कटा दिया और कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया तो तब से उनके साथ कुछ मामलात हो रहे हैं लोगों को कोई चीज़ नज़र आती है असद भाई और चाँद भाई को यहाँ बुलाया गया पता करने के लिए कि भाई यहाँ पे ऐसा क्या है और अगर तो आप क्लियर कर सकते हैं तो क्लियर कर दें लेकिन एक अजीब सी बात हुई जो मैंने बहुत कम सुनी है शायद पहली बार ही सुनी है कि जिन्होंने असद भाई और चांद भाई को यहाँ बुलाया उन्होंने कहा कि भाई हमारी बात हुई है जिन से डील हुए कि हम अगर कोई यहाँ पे बकरी छोड़ देंगे वहाँ जो जिन है वो उसे खा लेगा तो फिर जो है वो ये जगह छोड़ देगा यार ये मैंने पहली बार सुना है ऐसा यानी जा काला जादू जो जादूगरी होती है जादू टोना उसमें जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है ब्लड सेक्रीफाइस जिसे कहते हैं ये होता है बकरी का तो मैंने कम सुना है लेकिन छोटे जानवरों का परिंदों का होता है उल्लू का जैसे आउल या पिजन यानी बर्ड्स वगैरह और बैट्स जमगा उसका उनका सुना है यानी बाकायदा उन्हें यू नो बा किया जाता है उनका खून इस्तेमाल किया जाता है गंदा गंदी चीज़ यानी बेसिकली अपने अपने ऊपर लगाते हैं जादूगर और फिर यू नो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं इस तरह जिनको काबू किया जाता है आ, बकरी की बली भी चढ़ाई जा सकती है आई गेस जानवर है लेकिन टू बी ऑनेस्ट यार ओवरऑल जब मैंने ये एपिसोड देखी तो मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस उस बकरी पर हो रहा था बेचारी इसको बांधा हुआ था और वो काफ़ी यानी भागने के चक्कर में थी लेकिन ये मैं आपको कन्फर्म कर दूँ कि उसे कोई हार्म नहीं पहुँचा उस बकरी को असद भाई और चांद भाई उन्हें भी एहसास हो रहा था यार उनकी आवाज़ से लग रहा था कि उन्हें अफसोस हो रहा है कि बकरी जो यहाँ बांधी भी है उसने कुछ खाया नहीं कोई उसे कुछ पिलाया नहीं जा रहा और वो हो सकता है कि भूख से ही उसकी हालत ख़राब हो जाए तो मुझे लग रहा था कि असद भाई चांद भाई को ख़ुद बुरा लग रहा है और उन्होंने आखिर जो है उस बकरी के साथ क्या किया है वो देखते हैं आखिर में तो क्लिप शुरू करते हैं और फिर साथ साथ बातें भी करते हैं एक्टिविटीज़ बड़ी ज़बरदस्त रिकॉर्ड हुई ज़बर से कॉर्डिंग हैं ये घर है और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उन्होंने मना किया कि आप लोग इस दरख्त को जो है वो ना काटें तो हो सकता है कि आपको इसका नुकसान उठाना पड़े लेकिन जो मालिक है उनका इन कोई ऐसा बिलीव नहीं था वो कह रहे थे कि जिन्नात वगैरह जो है वो नहीं होते तो उन्होंने जब दरख्त यहाँ से काटा है काटने के बाद ही ना इधर मामला जो है वो शुरू हो गए स्टार्ट करने लगे ना बायदा तौर तो पर हमें वो चीज वहां पर नजर आई बुजुर्ग आए हैं उन्होंने फिर कोई उनका ही बताना कि जिन्ना के साथ कोई बातचीत की है

अच्छा ये कितना बड़ा पाइल पड़ा है अब इसको कहीं से भी है चलो अच्छा। <laughs> ये अजीब सी आवाज है यार यार है तो ओहो अच्छा चांद भाई कुछ सोच रहे थे आई डोंट नो व्हाट अच्छा। ये मैंने ऐसी यार ह्यूमर थोड़ा सा ऐड कर दिया इस्माइल योर कैमरा अच्छा कर लेना अच्छा ये जो लकड़ी है इसके आसपास और इसके साथ जो एक्टिविटीज़ होंगी वो आप और से देखें हो सकता है कि जो इससे पहले हुआ वो आ, उन एक्टिविटीज़ को लेकर डाउट हुआ हो लोगों को कि यार पता नहीं ख़ुद तो नहीं कर रहे ये लोग आ, लेकिन जो ये डंडे के साथ हो रहा है आ, वो आप और से देखें फिर आपको यकीन होगा कि ऐसा वाकई लग रहा है कि रियल है बच गए? गया स्लो मो मैंने डाले उसमें हैं उसमें ज्यादा क्लियर है अच्छा ये बिल्कुल उनके टांग के सामने हो गया है गए। हाँ। देखो देखो ये देखिए गिरासी बंदी हुई है ऊपर वो है आप देखे वो कैसे मूव हुआ है आसपास तो कोई भी नहीं है ना उनका हाथ टांग थी सामने देखें किस डायरेक्शन में वो गई है लकड़ी फिर से मैं दिखाता हूँ वहाँ पे कोई खींच नहीं सकता राइट इस इस डायरेक्शन में जाएगी अब आप गौर से देखें कि वो जमीन पे पड़ी है राइट अगर आपको रस्सी से खींचना है उसको फिश लाइन से तो कोई राइट पे खड़ा होना चाहिए लेकिन वहाँ पे खुली स्पेस है कोई नहीं खड़ा औसत मैंने वहाँ पैन भी किया एक बार असल दिखा दे। देते। भाई अच्छा, यार यार दिखा अच्छा एक और चीज मैं आप लोग बहुत यार खड़े थोड़ा पीछे होके बनाया करें, तो करें। ज्यादा अच्छा मजा आता है ज्यादा अच्छा कर बिल्कुल आप खरीब चले आते ना तो फ्रेम में चीजें आती नहीं है फिर डाउट होने लगता है यार अभी आगे आप देखें चांद भाई ने कैसा ये कर... तो, तो फ्रेम में आया देखिए वाइड एंगल बनाया तो। सर भाई ने ये देखें स्लो -मो में देखें बिल्कुल सामने उछला ये यहाँ पे दीवार है यहाँ से कोई पुल कर नहीं सकता उसको ना ऊपर कोई उछाल सकता ये देखें देखिये वाइड एंगल का फायदा देखें आप के ये सारी लकड़िया फ्रेम में नजर आ रही हैं राइट फिर से मैं दिखाता हूं अभी देखें वाइड एंगल बनाया हुआ तो ऐसा ये तो सारी हिलेंगी सब सार नजर ये देखें पूरा एक घुमा यार अब आप इसको घुमाएंगे कैसे आप खुद ही समझिए फिजिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट पीछे से ना ओपोजिट से ना अगेन पीछे से आया मुश्किल ना कहना सिक्कों के पीछे देख रहे थे कि एक वो अच्छा अब कॉर्नर्स में ढूंढ रहे हैं एक बार असद भाई इधर दिखा देना चाहिए थे आप मुझे खैर नहीं भाई अच्छा ये मोटरसाइकिल ही मिलेगी भाई ये देखिए स्लिप हुई है थोड़ी सी और, और ये फ्रेम में आया अगेन पीछे खड़े हैं वाइड एंगल बनाया हुआ है गुड अच्छा जब भी कोई एक्टिविटी होती है ना जैसे कि वो मखलूक आकर ये 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 वेरी गुड चार मेरा कैमरा वो कैस ब्रिलियंट यार ऑनेस्टली इससे अच्छा कैमरा मैंने नहीं देखा लो अब ये देखिए बिल्कुल असद भाई के मुंह पे था कि जैसे कोई मखलूक आकर इससे ना मुंह क्या ये असद भाई खेच सकते हैं खुद इम्पॉसिबल वो कैमरे की देख रहे हैं उनके हाथ में दूसरा कैमरा है और दूसरा खाली है लो अब आप ये देखें स्लो मो में कैसी ये लकड़ी उछली ये देखें बिल्कुल चांद भाई के मुंह पे आई है ये अजीब सी अच्छा ये देखें और जब पीछे वाइड एंगल का फायदा वाइड एंगल वाइड एंगल हम मैं आमिर भाई बोलते रहते हैं वाइड एंगल बनाओ ये देखें पूरा नजर आ गया पीछे दीवार है कोई पुल नहीं कर सकता ऊपर छत है बिल्कुल असद भाई के पीछे जो है वो उछली है ना असद भाई खींच सकते हैं ना चांद भाई खेच सकते उसको पुश कर सकते हैं <laughs> इतनी दूर खड़े ये भी देखें बिल्कुल कैमरे में आए देखें अगर डिस्टेंस बना के रखा ना तो कितनी अच्छी रिकॉर्ड ये देखें जबरदस्त बिल्कुल सामने रिकॉर्ड स्लोमो में देखें ये देखें ये देखें ओह बिल्कुल ज़बरदस्त मैन उस डाइक्शन में उछली है यहाँ पे कोई भी नहीं है आपको हम कोई भी किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाने ये देखें बिल्कुल उनके सामने उछली ये देखें बड़ा जबरदस्त देखिए। यहाँ पे कोई नहीं है पुश नहीं कर सकता राइट और यहाँ पे असद भाई का हाथ खाली नहीं है कुछ कर रहे हैं सीधा यहाँ आके लगी यहाँ पे से कोई पुल नहीं कर सकता ये दीवार है जबरदस्त मैन जबरदस्त क्या रिकॉर्ड है? है चाहिए कुछ मिला है पढ़ाई जो भी उल्टा सीधा लिखा गया अच्छा ये भी देखें यार यहाँ पे दीवार है कोई स्पेस नहीं है ना छत छत से कोई फैक्सिंग का रूफ है यहाँ से आया देखें यहाँ से जाता हूँ नजर आया पत्थर अजीब सी जो है ना अच्छा ये वो बकरी है जिसकी बलि जी कैसी लगी यार आपको ये एपिसोड शुरू में मुझे भी ऐसा लग था यार कि ये कैसे हो सकता है यू नो बकरी की बली और डील हुई है जिन्नात के साथ वैसे ये मैं डिनाई नहीं कर रहा है यार कि बाकी डील होती है जादूगर यही का कर, काम करते हैं उनका काम ही होता है कुछ मुनाफे के लिए कुछ प्रॉफिट के लिए छोटा मोटा जिनात से वो डील कर लेते हैं जिनात हमेशा झूठ बोलते हैं उनकी आदत होती है वो कहते हैं कि हाँ तुम हमारे लिए एक्स वाई एन जी काम करो और हम तुम्हें उसके बदले तुम्हें जो जो तुम मांग रहे हो वो हम तुम्हें देंगे लेकिन वो बेसिकली जादूगर को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं जादूगर ये समझता है कि वो मेरे कंट्रोल में है लेकिन वो मुकम्मल तौर पर ना जादूगर को कंट्रोल कर लेते हैं फॉर लाइफ तो अगर वो तोबा ना करे और ऐसी मर जाए तो बहुत ही यानी बुरी मौत होती है जो लोग इसका काम करते हैं ना इससे दूर रहें यार ब्लैक मैजिक से दूर रहें कोई अगर सोच भी रहा है ऐसा कि हरकत करने का सीखने का या क्यूरियस है जानना चाहता है कि यार कैसे किया जाता है स्टे अवे ट्रस्टमी बहुत ही बुरा हाल होगा जो ये करते हैं ये हर करते हैं एनी anyway, वे तो मुझे भी शुरू में ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब सी स्टोरी है कि यू नो बकरी आप लेकर आएँ और हम उसकी और उसकी बली चढ़ाएं उसको यहाँ छोड़ दें और ये जो बला वो कह रहे थे वो उसे खा जाएगी तो तब जे नाक इस जगह को छोड़ देंगे बकरी के साथ कुछ नहीं हुआ असल भाई को ऐसा लग रहा था कि बकरी सही नहीं है उससे कुछ खिलाया नहीं गया कुछ पिलाया नहीं गया और वो भागने के चक्कर में है तो उन्हें अफसोस हुआ था उन्होंने कहा कि भाई रिकॉर्डिंग बंद करें और हम जो है इसे कुछ और हल ढूलते हैं यानी बलि चढ़ाने के बजाय आई एम श्योर sure उन्होंने इसे पानी वानी दिया होगा कुछ खिलाया होगा और फिर अपने साथ ले गए होंगे या कहीं छोड़ के आ गए होंगे कम से कम असद भाई और चांद भाई ने ऐसा नहीं किया होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उसे यहाँ अकेला तनह छोड़ दिया हो एनिमल क्रुलटी है ये मैं तो इसके बहुत अगेंस्ट हूँ बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ही नफरत है यार ऐसे लोगों से जो जानवरों के साथ जिनका सुलूक बुरा होता है मेरा खून खोलने लगता है अगर मैं सोचता हूँ यार के लोग मिसट्रीट करते ना जो जानवरों को चाहे वो बिल्ली हो कुत्ता हो कोई भी जानवर हो परिंदे हो ऐसा नहीं करना चाहिए यार जानवर भी अल्लाह की मखलूक है उसमें भी जान है उसमें भी इमोशंस होते हैं तो ख्याल रखना चाहिए यार जानवरों का मिसट्रीट नहीं करना चाहिए तो एनीवे वे पॉइंट ये है कि असद भाई चाँद भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया वो आई एम श्योर साथ ले गए होंगे इसको बाद में रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद मुझे नहीं पता कि आखिर इसका एंड क्या हुआ शायद बताया हो असद भाई चांद भाई ने अपने किसी और एपिसोड में मैंने देखा नहीं हो सकता है होपफुली इन्होंने ये मसला सॉर्ट आउट कर दिया और यहाँ पे वो चीज़ यहाँ जो भी थी वो यहाँ से चली गई एक्टिविटीज़ आपने देखी हैं और ज़बरदस्त जिस तरह वो खासकर कर वो जो लकड़ी जिस तरह हिल रही थी यानी मैंने आपको स्लोगों में भी, भी दिखाया कि किस तरह वो लकड़ी मुस्तकिल जैसी उस, उसके ऊपर कोई तावीज़ बंदी हुई थी और वो उसे निकालना चाह रहे थे और जब भी उसके करीब जाते वो हिलना शुरू हो जाती यार इतने सारे एंगल से वो हिल रही थी कभी वो ऐसे गोल घूमती कभी वो इधर हो जाती कभी इधर हो जाती और कभी इनके ऊपर आ रही थी कभी इनसे दूर जा रही थी चले एक बार कर लिया किसी ने सोचा भाई इस पर फिश लाइन बांध दिए एक बार कर लिया दो बार कर लिया लेकिन यार मुस्तकिल हो रहा था और वो करीब खड़े में एक हाथ में उनके कैमरा है दूसरा हाथ से वो कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं वो खुद तो कंट्रोल नहीं कर सकते इम्पॉसिबल है चांद भाई का बहुत डिस्टेंस है उससे असद भाई का करीब आते तो वो चलनी शुरू आती है सलो में बहुत क्लियर था कि ये वाकई कोई वहाँ पर चीज़ थी जो उसे हिला रही थी जो उन्हें करीब नहीं आने देती या उन्हें उन पर अटैक करना चाह रही थी मुझे तो बहुत अच्छा लगा बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज रिकॉर्ड हुई कुछ आवाज़ें भी आई थी उन्होंने सुनाई थी हमें वो मैंने जानबूझ के नहीं डाली आवाज़ों का आना इट्स नॉट ग्रेट एविडेंस मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ आवाजों को लेकर जब मुझे लगता है यार कि कुछ इंसानी टाइप आवाज है तो फिर यू नो थोड़ा डाउट होने लगता है तो इसे मैं खुद नहीं डालता और एक और चीज़ मैं खुद नहीं डालता वो जो कोशिश करता हूँ कि ना डालूँ वो जब किसी टीम मेम्बर पर अटैक हो जाए उन्हें उन्हें उस वक्त क्या फीलिंग आ रही है क्या वो महसूस कर रहे हैं Uh, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता सिर्फ जो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हमें ऑन कैमरा वो मैं इंक्लूड करता हूँ अपने वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि सिर्फ वही कैमरा वर्क वाज वेरी गुड चांद भाई का इज़ ऑलवेज ब्रिलियंट ऐसा भाई का बहुत अच्छा था कुछ जगहों पर बहुत करीब खड़े हो गए थे लेकिन जब उन्होंने वाइड एंगल बनाया शॉर्ट्स बनाए थे तो वार्ड ने एक एंगल फ्रेमिंग की थी तो उस वक्त आप देखेंगे कि कितना फ़ायदा हुआ कितना अच्छा नज़र आ रहा था वो सब एक्टिविटीज़ क्लियर नज़र आ रही थी गुजरात यार ज़बरदस्त जगह भी वाकई हॉन्टेड लग रही थी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड हुई हैं अगर आप लोगों ने आगे इसके बारे में कुछ बताया तो सॉरी माजत मैंने मिस कर दिया वो लेकिन आई होप कि जगह क्लियर हो गई है और बकरी को कुछ नहीं हुआ आई रियली होप सो ये जरूर यार चांद भाई ये सब भाई ज़रूर बता दें किसी एपिसोड में क्योंकि मुझे यार सबसे ज़्यादा उस बकरी का अफसोस हो रहा था बेचारी सो सैड चले अपना ख्याल रखें कमेंट्स में बताएं कि ये क्लिप कैसा लगा वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है उसके लिए मोजत लेकिन ट्राई कर रहा हूँ यार मैं कि डेली डेली तो नहीं खैर डेली तो नहीं डाल सकता अभी वीकेंड था से डाल दिया था लेकिन कोशिश करूँगा कि हफ्ते में दो बार एटलीस्ट एटलीस्ट एक बार या ज़्यासा दो बार मैं ज़रूर डालू सब्सक्राइबर नंबर बढ़ना चाहिए यार आप लोग लाइक शेयर जरूर करें उसी से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा बूस्ट मिलेगा वरना फिर फ़ायदा नहीं आया वरना मैं फिर गायब हो जाऊँगा अगर वो वो नंबर्स ना आए वो व्यूज़ ना आए तो फिर मैं फिर से गायब हो जाऊँगा तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है यार अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर लाऊँ वीडियोज़ तो ज़्यादा से शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें मुझे बुरा लगता है यार बोलते हुए मैं पहले नहीं बोलता था आई थिंक चार साल तक तो मैंने हार्डली मे भी एक दो बार बोला हुआ कि सब्सक्राइब कर लें लेकिन अब मजबूरन कहना पड़ा है मुझे खुद बुरा लगता है मुझे लगता है मैं भीख मांग रहा हूँ मेरा भी टाइम फिर वेस्ट होता है यार अगर वो फीडबैक ना आए तो फिर मेरा भी टाइम वेस्ट है राइट तो इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग समझ ही होंगे <laughs> चलें अपना ख्याल रखें टेक केयर अल्लाह हाफिज बाय बाय